अल्हा गाफिल कर दिया कुम तुम्हें, तकासुर हिर्स ने, ये भी तर्जमा कर सकते हैं कसरत की तलब ने, ये जो तुम ज़्यादा तलब कर रहे हो ना, इस कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता यहाँ तक के ज़ुरतुमुल तुमने ज़ियारत कर ली, तुमने देख लिया, तुम पहुँच गए मकाबिर कब्रों में, या तुमने ज़ियारत कर ली कब्रों की, मकाबिर मकबरा की जमा है, कब्रों को कहते हैं। कल्ला ये हरफ़ रदा है जजर के लिए, डांटने डपने के लिए और तंबीह करने के लिए आता है, यानी हरगिज़ ऐसा नहीं। क्या मतलब कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इसका तर्जमा हमने किया ख़बरदार, मुतनब्बे कर रहे हैं ख़बरदार, अन करीब तुम जान लोगे, सौफ़ा का माना अन करीब, तालमून तुम जान लोगे, सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज़ ऐसा नहीं, यानी ये जो तुम माल के पीछे लग के अपने अल्लाह को, आखिरत को और दीन को भूल रहे हो, ऐसा ना करो, या ख़बरदार सौफ़ा अन करीब, तालमून तुम जान लोगे, कल्ला ख़बरदार, तीन मरतबा फरमाया। लौ तअलमूना, लौ का माना अगर, तअलमूना तुम जान लेते, अगर तुम जान लेते, क्या मतलब कि ये जो हम माल के पीछे लग कर अपनी कब्र को, आखिरत को, अल्लाह को, दीन को भूल गए हैं, अगर तुम इसका नुकसान जान लेते, इल्मल यकीन, यकीनी इलम के साथ, इलम इलम यकीन यकीन, यकीनी इलम के साथ, तो ऐसा हरगिज़ तुम ना करते। लतरवुन्नल जहीम, लेकिन अब क्या होगा, अलबत्ता ज़रूर तुम देखोगे जहीम को, जहन्नम को, जहीम दोज़ख को, यानी अगर इसी तरह गफलत में तुम डूबे रहे और तुम्हें मौत आ गई तो तुम जहन्नम को ज़रूर अपनी आँखों से देख लोगे। सुम्मा फिर, लतरवुन्नहा, लाम का माना अलबत्ता, ताकीद के लिए है, ज़रूर तुम देखोगे हा उसको, हा से मुराद है यहाँ जहीम जहन्नम, यानी अलबत्ता ज़रूर तुम जहन्नम को देखोगे, आयन अल यकीन, यकीन की आँख के साथ, आयन अरबी में आँख को कहते हैं, यकीन यकीन। सुम्मा फिर, लतुसअलुन्ना, अलबत्ता ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, लाम का माना अलबत्ता, ये जो नून के ऊपर तशदीद है तीन दंदानों वाली, इसका माना है ज़रूर, ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा, यौम इज़िन उस दिन, यौम का माना दिन, इज़िन उस दिन, अनिन नईम नियामतों के बारे में। सूरत का नाम है तकासुर, इसकी पहली आयत में तकासुर का लफ्ज़ ज़िक्र है, और ये क़ुरान पाक की 16वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत है, यानी इससे पहले 15 सूरतें नाजिल हो चुकी थी, और ये सूरह मुबारक भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत की फजीलत में अहदीस मुबारक में एक हदीस आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से एक दिन फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में कोई ताकत रखता है कि रोज़ाना क़ुरान की 1000 आयतें तिलावत करें? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, भला हम में से कौन ताकत रखता है कि रोज़ाना 1000 क़ुरान की आयतें पढ़े? बड़ा टाइम लगता है, यानी ये क़ुरान का छठा हिस्सा है, क़ुरान की आयात की तादाद है 6236, तो ये उसका तकरीबन छठा हिस्सा बनता है। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल, कौन ताकत रखता है इतनी पढ़ने की? तो आपने फरमाया, क्या तुम अल्हा को मुत्तकासुर पढ़ने की ताकत नहीं रखते? यानी क्या मतलब, अगर तुमने इस सूरत को एक मरतबा पढ़ लिया तो ये क़ुरान की 1000 आयतें पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इस सूरत का शान नुज़ूल तफ़सीर में दर्ज है कि ये किस मौका पर नाजिल हुई, मक्कतुल मुकर्रमा में दो कबीले थे, बनु अब्दे मुनाफ और बनु सहम,
इन दो कबीलों में आपस में हुआ मुकाबला। माल में तो अमूमन फ़ख्र लोग करते ही रहते हैं कि माल मेरे पास ज़्यादा है तुमसे, मेरी कोठियाँ ज़्यादा, मेरे जानवर ज़्यादा, मेरा एक ज़राअत का रकबा तुमसे ज़्यादा। ये माल का फ़ख्र तो चलता था इनमें। इसके साथ साथ एक दिन आदमियों का मुकाबला हो गया, यानी आपस में कहने लगे हमारी बरादरी के आदमी तुम्हारी बरादरी से ज़्यादा है। वो कहने लगे नहीं, हमारी बरादरी के आदमी तुम्हारी बरादरी से ज़्यादा है। तो किसी ने कहा भी मरदम शुमारी कर लो। अब जो मरदम शुमारी की गई, या तो ये मुकाबला आदमियों की तादाद पे था या ये मुकाबला था सरदारी पर। एक कबीले ने कहा हमारे सरदार तुमसे ज़्यादा हुए हैं, दूसरे ने कहा नहीं हमारे सरदार तुमसे ज़्यादा। बहर कैफ आपस में जब उन्होंने मरदम शुमारी की तो बनू अब्द मुनाफ के लोगों की तादाद ज़्यादा थी या उनके सरदारों की तादाद ज़्यादा थी। तो अब बनू साम कहने लगे नहीं, जो मर चुके हैं ना उनको भी गिनेंगे, जो मर चुके हैं। चुनाचे ये कब्रों के अंदर गए, ये ना हत्ता जुर तुमुल मकाबिर, यानी तुम कसरत ने तुम्हें इतना गाफिल किया कि तुमने कब्रें जा देखी। अब कब्रस्तान में गए, कब्र में जाके मुर्दे गिने इन्होंने कब्रों में जाके। तो फिर पहले अब्द मुनाफ के लोग ज़्यादा थे, जब कब्रस्तान पहुँचे तो कबीला बनू सहम के लोगों की गिनती ज़्यादा हो गई। इस मौके पर कुरान पाक की यह सूरत नाजिल हुई कि कितने तुम गाफिल हो, तुम्हें कसरत की तलब ने गफलत के अंदर डाल दिया। यहाँ पहली आयत में लफ्ज़ है अत्तकासुर, अल्हाकुमुत्तकासुर, गाफिल कर दिया तुम्हें तकासुर ने। तकासुर क्या है? अरबी ग्रामर के एतबार से यह तकासुर बाब तफ़ाउल का मस्दर है। और ये जो बाब तफ़ाउल है ना, उसकी खासियत ये है कि फ़ेल दो तरफ़ा होता है। ये जो मुकाबला होता है ना, दो तरफ़ा होता है ना, दो आदमी या दो ग्रोह या दो कबीले या दो टीमें मिलकर मुकाबला करती, एक ही बंदा मुकाबला नहीं करता। मुकाबला करने के लिए कितने लोग होते हैं? कम अज़ कम दो। तो तकासुर बाब तफ़ाउल से है, इसका माना होता है फ़ेल का जानिबैन से होना, ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो मुकाबला करते थे आपस में, कभी माल का मुकाबला कि मेरे पास माल तुमसे ज़्यादा है, दूसरा कहता मेरे पास माल तुमसे ज़्यादा है। कभी मकानों का मुकाबला, मेरा मकान तुमसे ज़्यादा आला है, दूसरा कहता मेरा मकान तुमसे ज़्यादा आला है। कभी बागात में मुकाबला, मेरे बागात के दरख्त तुमसे ज़्यादा है, वो कहता मेरे तुमसे ज़्यादा है। कभी कहते हमारा फल तुमसे ज़्यादा आता है, वो कहते हमारा फल तुमसे ज़्यादा आता है। कभी औलाद में फ़ख्र होता, हमारी औलाद तुमसे ज़्यादा है, दूसरे कहते हमारी औलाद तुमसे ज़्यादा। तो यह है तकासुर, इस चीज़ का फ़ख्र। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमा रहे इसी चीज़ ने तुम्हें आखरत की याद से गफलत में डाल दिया, बस इसी चीज़ में तुम लगे हो। आज भी ये है, एक आदमी ने घर अगर अच्छा बनाया है ना, तो उसके भाई की यही फ़िक्र होती मैं इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँगा। सारी ज़िंदगी इसी बाग दौड़ में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, कब्र तक पहुँच जाता है। अगर एक भाई ने गाड़ी अच्छी ले ली, दूसरे की सारी तवानाइयाँ इसी पे ख़र्च होती हैं, चाहे हलाल तरीक़े से आए या हराम तरीक़े से, कि इससे अच्छी गाड़ी लूँगा। अगर एक के कपड़े अच्छे और साफ़ सुथरे, एक भाई के औलाद के कपड़े ज़्यादा खूबसूरत है ना, तो दूसरे की फ़िक्र यही होगी बाज़ार से मैं इससे भी ज़्यादा कीमती कपड़े ला के अपने बच्चों को डालूँगा। इसलिए कहते हैं आज कल जो लोगों के अंदर परेशानियाँ हैं ना, गुजारा हर एक का होता है, क्या है, कोई रूखी सूखी खा ले, कोई पलाव खा ले। असल आजकल जो ये जो मुकाबला है ना, हिरस है, जो हवस है, इस मुकाबले में किसी की हवस और हिरस पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग टेंशनों में मुबतला है। हालांकि आइए, ये जो दुनिया है ना, दुनिया बनाने वाले से तो पूछें कि ये दुनिया है क्या, क्यों भी पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। जिस दुनिया की बाग दौड़ में लगे लगे हम कब्र तक पहुँच जाते हैं, उस दुनिया बनाने वाले से तो पूछें दुनिया है क्या। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत को वाज़ फरमाया, फरमाया वअलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद्दुनिया, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, लाइबुम वलहु, खेल तमाशा है, वज़ीना, बस सजावट है, वतफ़ाखुरुम बैनकुम, आपस में फ़ख्र करने की चीज़ है,
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور آپس میں کثرت کا مقابلہ ہے, کبھی مال میں کثرت کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, میرا مال تم سے زیادہ, اور کبھی اولاد میں مقابلہ کیا جاتا ہے, میری اولاد تم سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, یا اس میں کھیل تماشا ہے, یا یہ سجاوٹ ہے کہ لوگ سجاوٹ میں لگے ہوئے, یا آپس میں فخر کا مقابلہ ہے, یا آپس میں مال کی زیادتی کا فخر ہے. اس لیے الحاکم التکاثر, تکاثر کا ایک معنی کیا گیا ہے تفاخر, کہ تمہیں آپس کے فخر نے غفلت کے اندر ڈال دیا. حدیث مبارکہ میں آیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا, اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے, جتنا مال و دولت, سونا چاندی ہیرے جواہرات, یہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں اگر اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر کے پر کے برابر ہوتی, تو اللہ جل جلالہ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتے. یعنی کس دنیا کے پیچھے دوڑ لگا کے اپنی قبر کو بھولے ہوئے, اپنے اللہ کو بھولے ہوئے, رسول کو بھولے ہوئے, دین کو بھولے ہوئے, مرنے کو بھولے ہوئے, وہ چیز کہ ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے نا, تو یہی کہیں گے کہ اس نے ساری زندگی اس چیز کے پیچھے گوا دی جس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. بھائی آپ کو کوئی مچھروں کی ایک گٹری دے دے, لے لو گے آپ, مچھر کی ویلیو کوئی نہیں, تو مچھر کے پر کی کیا ویلیو ہوگی. یعنی اگر آپ بندے نے ساری زندگی مال کمانے میں, دکانیں بنانے میں, رقبہ خریدنے میں, مکان خوبصورت بنانے میں لگا دی, اپنی قبر کو بھولا رہا, نماز سے غافل رہا, دین سے غافل رہا, تو مجھے آپ بتائیں کیا کما کے گیا, زیادہ سے زیادہ مچھر کا پر اتنا بھی نہیں اس نے کمایا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا اسی صورت کے پیش نظر, جب سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی نا, تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ, یقول ابن آدم مالی مالی, جو آدم کا بچہ ہے نا, یعنی اولاد آدم, ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, وہ کہتا رہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, حالانکہ آپ نے فرمایا تیرا مال وہی ہے, ما اکلت فافنیت, جیسے تو نے کھایا کھا کے ختم کر دیا, تیرا مال وہی ہے, او لبست فابلیت, جیسے تو نے پہنا پہن کے پرانا اور بسیدہ کر دیا, تیرا مال وہی ہے, او تصدقت فامضیت یا فابقیت, یا تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اسے باقی رکھ دیا, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ باقی اس کے علاوہ جو ہے, یعنی جو تو نے کھا لیا وہ تو تیرا ہو گیا, جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے, جو تو نے صدقہ کر دیا اللہ کے راستے پہ لگا دیا وہ بھی تیرا ہے, اصل وہی ہے کیونکہ وہ باقی رہ جائے گا نا, جو کھا لیا وہ تو ختم, جو پہن لیا وہ تو بوسیدہ, اصل جو صدقہ کر دیں گے وہ باقی رہ جائے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ باقی مال تیرا نہیں ہے, تیرے پیچھے آنے والوں کا ہے. چنانچہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم میں کون ایسا ہے جسے اپنے وارثوں کا مال زیادہ عزیز ہو. بندہ جب فوت ہوتا ہے نا, تو پیچھے جو مالک بنتے ہیں اسے فوت ہونے والے کا وارث کہتے ہیں. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا, بتاؤ کس کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے, زیادہ عزیز ہے. تو صحابہ اکرام کہنے لگے, یا رسول اللہ ہم میں تو ایسا کوئی نہیں, ہر ایک کو تو اپنا مال ہی پسند ہوتا ہے, وارثوں کا کسے عزیز ہو. تو آپ نے فرمایا, جس مال کو تم سنبھالے پھرتے ہو نا, یہ مال تمہارا نہیں ہے, یہ تمہارے وارثوں کا ہے, تمہارے عزیزوں کا ہے. دیکھیں تم نے جھوٹ سچ ملا کے اسے حاصل کیا, رشوت کے ساتھ اسے حاصل کیا, سود کے ساتھ اسے حاصل کیا, دو نمبر چیز کو ایک نمبر بنا کے بیچ کے حاصل کیا, ملا کیا, موت آگے پیچھے کن کا بن گیا, وارثوں کا. فرمایا یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. کیا حدیث مبارکہ میں آیا جناب نبی اکرم محبت میں کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیان من ذهب, اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں, ایک دو تولہ سونا نہیں, سونے کی پوری بھری ہوئی دو وادیاں ہوں,
तो वो उस पर भी साबिर शाकिर नहीं होगा, शुक्र नहीं करेगा। लब तगा सालिसा, तीसरी वादी की जस्तजू में लगा रहेगा। हालांकि अगर वो वही खाता रहता ना, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता, उसके साथ पुश्तें खुशहाल ज़िंदगी गुजारती, लेकिन दो पर शाकिर नहीं हुआ, तीसरी की तलब में लग गया। फिर आपने फरमाया कि ला यमलउ जौफ़ बनी आदम इल्लत तुराब। ये दो तीन की बात नहीं है, इसके पास दस वादियाँ भी सोने की हो ना, इसका पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। और जिस पर अल्लाह तौबा जिसकी कबूल कर लें, बस उसकी तौबा कबूल होती। ये जो हिरस है ना, हिरस लालच, देखिए एक आदमी लैंडलॉर्ड है, करोड़ अरबा खरबा पति, अरबों खरब अरब खरब पति है, लेकिन अगर उसके अंदर हिरस है ना, यानी उसे मज़ीद हवस लगी हुई है माल की, वो मुआशरे का गरीब तरीन आदमी है। और मुआशरे का गरीब आदमी, दिहाड़ी 700 रुपया लेने वाला, अगर वो अपने उस हाल पर खुश है, राज़ी है, तो वो मुआशरे का अमीर तरीन आदमी है, क्योंकि उसके अंदर हिवस हिरस और हवस नहीं है। इसलिए आदमी गनी होता है। आपने फरमाया गिना माल की गिना नहीं है, गिना दिल की माल दिन की गिना है। जो आदमी दिल के एतबार से गनी होता है ना, वही गनी होता है, वही गनी होता है। तो अल्लाह ताला हमें कनाअत नसीब फरमाए। कनाअत क्या है? कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहना, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहना। अल्लाहु अकबर। अल्हाकुमुत्तकासुर, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। एक तर्जमा, ये तुम माल की दौड़ में लगे हुए थे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए, मर गए तुम। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया यह रुमु बनु आदम, इंसान बूढ़ा होता रहता है, लेकिन यशुब खसलतान, उसके अंदर दो चीज़ें जवान होती रहती। आदमी की उम्र बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है। आप कहेंगे ना, देखो यार ये तो बूढ़ा आदमी है, इसे तो सुकून ले लेना चाहिए, ये अभी भी दौड़ लगाता है, सारा दिन खड़े होकर मेहनत करता है। हालांकि इसके पास इसके बेटे कमाने वाले, इसके घर में इतना के सुकून से ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन याद रखें, बूढ़े के अंदर माल की हिरस जवान से भी ज़्यादा होती है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए ना, आप बच्चे हैं या जवान हैं, आपको अभी है कि यार मेरे ऊपर बढ़ापा आना है, मैंने अभी मरना नहीं। हालांकि पता हमें भी नहीं कि अब क्या पता बचपन में मौत आ जाए, जवानी में मौत आ जाए, या किसी को बुढ़ापे में जाके मौत आए। लेकिन आपको है कि आपने लंबी उम्र जीनी है। बूढ़े के बारे में हर एक का ज़हन होता है यार आज गया कल गया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं एक आदमी जो बूढ़ा हो रहा है उसके अंदर अलहिरसु अलल माल, माल की हिरस जवान हो जाती है। अलहिरसु अलल उम्र, उम्र की हिरस जवान हो जाती है। बूढ़े के भी मरने को दिल नहीं करता। उम्मत को एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया वो आदमी खुशबख्त है, सआदतमंद है, जिसे अल्लाह लंबी उम्र दे और अच्छा अमल दे। उम्र लंबी हो लेकिन नेकियों से भरी हुई हो। और बड़ा बदबख्त और बदकिस्मत है वो आदमी जिसकी उम्र लंबी हो और गुनाहों से भरी हुई हो। अल्लाह हमें भी नेकियों वाली लंबी उम्र आता फरमाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून, खबरदार अन करीब तुम जान लोगे। क्या मतलब? जब तुम मरोगे ना, पहले कल्ला सौफ तअलमून, जब तुम मरोगे तो तुम जान लोगे तुम क्या करके आए हो। सुम्मा फिर कल्ला सौफ तअलमून, खबरदार अन करीब तुम जान लोगे, यानी जब मर कर कब्र से मैदान महशर में उठोगे ना, जिंदा होगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या करके आए हो। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, खबरदार अगर तुम ये यकीनी इलम के साथ जान लेते। आरिफीन ने, जो लोग मारिफत का इलम रखते हैं, उन्होंने इलम की ना तीन किस्में बयान की हैं। नंबर एक इल्मुल यकीन, नंबर दो ऐनुल यकीन, और नंबर तीन हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या है? यकीनी इलम किसे कहते हैं?
लाहौर में दरियाए रावी गुजरता है, तो ये इल्मुल यकीन नहीं है। अपनी आँखों से आपने देखा तो इसे कहते हैं यकीनी इल्म। लेकिन आप जब उसके करीब गए और अपना चुल्लू पानी का भरा, ये है ऐनुल यकीन। ये क्या है? यानी पानी को जब आपने टच कर लिया, पकड़ लिया, उठा लिया, तो अब आपने यकीन की आँख के साथ आपका मुशाहदा हो गया कि वाकई है। जैसे कुरान पाक में मूसा अलैहि सलाम का वाकया आता है, कोहे तूर पे गए थे ना मूसा अलैहि सलाम तौरात लेने के लिए, 40 दिन वहाँ रहे, जब वापस आए वहीं अल्लाह ताला ने बतला दिया था कि पीछे तुम्हारी कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अब जब अल्लाह ने बताया तो ये अल्लाह के बताने से मूसा अलैहि सलाम को इल्मुल यकीन हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? इल्मुल यकीन, चूँकि अल्लाह के बतलाने में तो शक नहीं ना हो सकता, यकीनी इल्म हो गया कि वाकई मेरी कौम ने पीछे बछड़े की पूजा की। अब मूसा अलैहि सलाम को उस वक़्त इतना गुस्सा नहीं आया, आए वापस, जब वापस पहुँचे अपनी आँखों से जब देखा ना उन्हें बछड़े की पूजा करते, फिर गुस्सा आया, हत्ता के तौरात की तख्तियाँ ज़मीन पर गिर गईं। तो अब जब उन्होंने अपनी आँखों से उन्हें बछड़े की पूजा करते देखा तो ये था ऐनुल यकीन। ये क्या था? यानी मुशाहदा कर लिया। अब आपने पानी को यूँ चुल्लू के साथ उठाया तो ऐनुल यकीन है। अगर आप दरिया के अंदर गोता लगा लेते, यानी दरिया के पानी में आपको गोता भी आ गया, तो ये है हक्कुल यकीन, क्योंकि आप ख़ुद उसमें मुबतला हो गए ना, आप ख़ुद उसमें मुबतला। यानी आप एक चीज़ को आँखों से देखें, ये यकीनी इलम है, उसको आप ख़ुद उसमें उसको उठा के उसके साथ आपका टच भी हो जाए, मस भी कर लें, तो ये ऐनुल यकीन है। आप उसके अंदर ख़ुद मुबतला हो जाएं, तो ये हक्कुल यकीन है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लऊ तअलमून इल्मल यकीन, काश तुम्हें यकीनी इलम हो जाता। क्या यकीनी इलम? कि ये जो हम माल की दौड़ में लगे हुए हैं ना, नमाज भी गई माल की दौड़ में, रोज़ा भी गया माल की गफलत में, वालिदैन के हुकूक भी गए माल की तलब में, हलाल हराम की तमीज़ भी गई माल की जस्तजू में, रिश्वत से ले रहा है किसी का हक दबा रहा है, कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें यकीनी इलम हो जाता कि इसका तुम्हें फ़ायदा नहीं नुकसान है, तो ऐसा तुम कभी ना करते, माल की वजह से अपनी मौत से गाफिल ना होते, माल की वजह से अपनी कब्र से, अपनी आखिरत से गाफिल ना होते। ثم आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, आगे लतरवुन अलजहीम, अलबत्ता ज़रूर तुम जहन्नम को देखोगे। ये है ऐनुल यकीन, यकीनी इलम नहीं ना तुम्हें आ रहा, तुम अपनी आँखों से जहन्नम को देख लोगे। ثم لترونها عين اليقين, यानी ऐन यकीन क्या मतलब? जहन्नम की आग की गरमाइश भी तुम्हें पहुँचेगी अगर माल की कसरत से यूं ही तुम गाफिर रहे, अपनी यकीन की आँख से तुम उन्हें देख लोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर आगे फरमाया, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, फिर तुमसे सवाल किया जाएगा, अलबत्ता ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा उस दिन नेमतों के बारे में। इसके तहत अहदीस में एक वाकया मज़कूर है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे मुबारक से निकले, बाहर देखा कि शेखैन यानी सैदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला और सैदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। तो आपने पूछा, ए अबू बकर उमर, ये वक़्त तो नहीं यहाँ बैठने का, किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ बैठने पे मजबूर किया? उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, भूख ने। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया, मुझे भी घर से भूख ने निकलने पे मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब के लिए कायनात को वजूद दिया और आपके सामने पेशकश थी, अगर आप चाहें तो उहद पहाड़ को सोने का बना दिया जाए, वो आपके साथ साथ चले, जिसे चाहें उसमें से सोना अता कर दें। लेकिन आप क्या फरमा रहे हैं? नहीं, अहयनी मिसकीना, ज़िंदगी चाहता हूँ मिसकीनों वाली। वह अमितनी मिसकीना, मौत चाहता हूँ मिसकीनों वाली। वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और मैदान महशर में मेरा हशर भी मिसकीनों के गिरोह के अंदर हो। सुभानअल्लाह। यानी
ہمارے پیارے نبی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں. دیکھیں اگر مال و دولت کی وجہ سے کسی کو فضیلت ہوتی نا تو آپ کے پاس تو مال و دولت تھا نہیں, جو آتا تھا سونے سے پہلے آپ سب کا سب تقسیم کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ کیا فرما رہے ہیں, مجھے بھی پیٹ کی بھوک نے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا. یار ہم سوچے تو صحیح, ہمارے گھر میں کسی کے بھی کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہوگا کہ فقر و فاقے میں اتنا تنگ. یہ ایک وقت کی بھوک کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا, ایک وقت وہ تو ہم بھی دی. صبح کو کھائیں تو شام تک نہ کھائیں تو پتہ نہیں چلتا, محسوس نہیں ہوتی بھوک. یہ تب ہوتا ہے کہ بندہ سارا دن ہی پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا. تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اسی چیز نے, جس چیز نے تمہیں نکلنے پہ مجبور کیا مجھے بھی اسی چیز نے مجبور کیا. تو آپ نے صحابہ کرام کو لیا, ابو بکر و عمر کو چل دیے, ایک انصاری کے باغ میں گئے. سبحان اللہ. وہ انصاری گھر میں نہیں تھے لیکن ان کی اہلیہ نے جب ایسے خصوصی مہمانوں کو آتے دیکھا نا تو وہ خوشی سے جو اٹھی, کہنے لگی مبارکہ کتنا سعادت مند ہے وہ جس کے گھر میں اتنے اعلیٰ مہمان تشریف لائیں. اتنی دیر میں اس کا خاوند بھی باہر سے میٹھا پانی لے کے آ گیا, یعنی پانی پینے والا. تو گھر کے اندر ان کے جانور بندہ تھا, اس بکری کو انہوں نے ذبح کیا, ذبح کر کے گوشت پیش کیا اور چھوارے بھی آپ کے سامنے اپنے باغ کے رکھے. آپ نے گوشت تناول فرمایا, چھوارے کھائے, میٹھا پانی پیا اور پی کے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اسی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھا کہ تم سے ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بھائیو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا, گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اور اٹھا کے چار پانچ قسمیں اٹھا کے فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُو, بالیقین انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے ناشکرہ کسے کہتے ہیں, اس آدمی کو کہتے ہیں جو نعمتوں کو نہیں گنتا, جب بھی گنتا ہے مصیبتوں کو گنتا ہے. اس کے اوپر جو خوشحالی ہے نا کبھی اس کو دیکھ کے شکر نہیں کرتا. جو آزمائشیں ہیں ہر وقت زبان پر آزمائشوں کا ذکر, ہو میں نے تربوز لگائے اتنا گھاٹا پڑ گیا, حالانکہ جو اسے پہلے نفع ہوا کبھی کسی کو اسے نہیں بتایا, چھپا کے رکھتے ہیں بھی کسی کو کیوں بتائیں. میں نے فلاں کام کیا, گھر میں یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی, زبان پہ پریشانیوں کا مصیبتوں کا تکلیفوں کا ذکر ہو اور نعمتوں کا ذکر نہ ہو, اسے کہتے ہیں ناشکرہ انسان, ناشکرہ انسان. حالانکہ اگر آپ کاپی پینسل لے لیں نا, جو آدمی مصیبتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اسے کاپی پینسل دے دیں, لو بھائی تم کہتے ہو نا تمہارے اوپر کوئی نعمت ہے ہی نہیں, اپنی مصیبتوں کو لکھو, وہ پانچ منٹ لے لے گا لکھنے کے لیے, ہو سکتا ہے پانچ منٹ میں لکھ لے, چلے آدھا گھنٹہ لگا لیں, آدھا گھنٹہ ایک دن ہی لگا لیں, زیادہ سے زیادہ ایک دن میں لکھے گا میرے اوپر یہ مصیبت یہ مصیبت یہ مصیبت. پھر آپ اسے اتنا بڑا رجسٹر دیں کہ جو جس کا ورق مشرق و مغرب میں پھیلا ہو, چڑائی شمال جنوب میں پھیلی ہو, اور اسے کہیں کہ جاؤ تمہارے پاس نوح علیہ السلام کی عمر ہے, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں مسلسل لکھتے رہو. اس کی عمر ختم ہو جائے گی, اس کے پاس سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی ساری نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں, صرف ستر کو اس نے چھپایا ہوا ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, لیکن بیوی بچے بھی نہیں, گھر والے بھی نہیں, تنے تنہا ہے. ہو سکتا ہے سارے کہیں یار کتنا آدمی مصیبتوں کے اندر ہے, اس پر بھی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں وہ بھی شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا. دیکھ رہے ہیں یار یہ آنکھ ہے, ہر ایک رنگ کو مختلف دیکھتی ہے, کسی کو گڑبڑ نہیں کرتی. سبحان اللہ کیسی عجیب نعمت ہے اللہ کی. کان کتنی بڑی عظیم نعمت, آپ بولیں گے مجھے پتہ چل جائے گا حماد کی آواز ہے, دانیال بولے گا پتہ چل جائے گا دانیال کی اور داؤد کی آواز ہے, حالانکہ میں دیکھ نہیں رہا. زبان کیسی لیبارٹری دے دی, جو بھی چیز اندر رکھیں بتائے گی بیک وقت,
गर्म है या ठंडी है, सख्त है या नरम है, कड़वी है या मीठी है या नमकीन है। बयक वक्त छोटी सी लिबार्टरी कितनी बड़ी चीज़ें बता रही, बयक वक्त अंदर फिर दिल की धड़कन है। ये जो सांस है ना, ये जो सांस है अंदर जाता है बाहर को आता है, हर लम्हे सांस अंदर आ जा रहा है। हम तो इस सांस की नियामत का शुक्र नहीं अदा कर सकते, इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत अमलों के बदौलत कोई नहीं कमा सकता, जिसे मिलेगी अल्लाह के फजल व करम से मिलेगी। अपने अमलों से तो हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, अल्लाहु अकबर, लेकिन ये नेक आमाल अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का ज़रिया है। इसलिए जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं ना, इनके बारे में कल क़ियामत वाले दिन सवाल होगा। हदीस मुबारक में आता है उस वक़्त तक इंसान के कदम मैदान महशर में अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक कि वो चार सवालों के जवाब ना दे ले। पूछा जाएगा आन उमरी, उसकी उम्र के बारे में, कहाँ लगा के आए, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। पूछा जाएगा जवानी के बारे में, किस चीज़ में ज़ाया करके आए हो। पूछा जाएगा माल के बारे में, कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, यानी कमाने के सोर्सेज में भी हम पाबंद हैं और लगाने की जगहों में भी पाबंद हैं ना उसे आपने। इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो फजूल खर्ची करने वाले ना शैतान के भाई हैं, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। माल के बारे में पूछा जाना है, कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया। इल्म के बारे में पूछा जाना है, उस पर क्या अमल किया। तो ये अल्लाह ताला की नियामतें, अब इन नियामतों का शुक्र क्या है। एक तो है ज़ुबान से शुक्र अदा करना। देखें जो भी हमें नियामत मिले ना, यानी जो भी तबीयत के मुताबिक काम हो, हम अपनी ज़ुबान से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र का कलिमा है। बल्कि हदीस मुबारक में आया जो बंदा नियामत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने इस नियामत का हक अदा कर दिया, शुक्र का हक अदा कर दिया। ये तो है ज़ुबान से शुक्र। एक है अमल के एतबार से शुक्र। अमल के एतबार से शुक्र क्या है, इन आँखों से उन्हीं चीज़ों को देखें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक है, इन कानों से वही सुने जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक, ये कदम उसी राह पे चल के जाएं जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी नहीं, ये ज़ुबान वही अल्फाज ज़ुबान से निकलें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी है। ये है प्रैक्टिकल शुक्र और यही सबसे आला शुक्र है। इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद शुक्र वाले अमल करो। इसलिए क़ियामत वाले दिन इन नियामतों के बारे में पूछा जाएगा।